जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस की हेमा संघानी और भाजपा की रश्मि सैनी के बीच मुकाबला है, लेकिन दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यही वजह है कि निगरानी बढ़ाई गई है। दरअसल भाजपा के 85 पार्षद हैं। संगठन दावा कर रहा है कि सभी पार्षद बाड़ाबंदी में मौजूद हैं, जबकि हकीकत में अब भी 10 से 12 पार्षद बाड़ाबंदी के बाहर है। इसी तरह कांग्रेस के भी 30 से 35 पार्षद ही बाड़ाबंदी में पहुंचे हैं। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां आशंकित है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। वजह यह भी है कि कई पार्षद और बड़े नेता ऐसे हैं जो प्रत्याशी चयन से नाराज हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता योगेंद्र पांचोली। योगेंद्र, जयपुर महापौर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव को 10 नवंबर को मतदान होने हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को ये डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए, कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो भी समय तय किया गया है उसमें ग्रेटर नगर निगम महापौर के लिए मतदान होगा। सभी जो पार्षद है अपना वोट कास्ट करेंगे और अपने अपने जहां बीजेपी की रश्मि सैनी मैदान में है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हेमा सिंघानिया मैदान में ताल ठोक रही है। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी को डर सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो कहीं नुकसान ना हो जाए, वहीं कांग्रेस ने भी अपनी बाड़ेबंदी कर रखी है। दोनों ही पार्षद पार्टियों के बाड़ेबंदी में बंद है। लगातार सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को डर तो है, और हालांकि बहुमत बीजेपी के पास है और पूरा बहुमत है, उससे ही ज्यादा पार्षद बीजेपी के हैं, लेकिन ये बाड़ेबंदी बताती है कि पार्टियों में कब सेंधमारी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कल अब ये माना जा रहा है कि कल 9 बजे से पहले ही जो बीजेपी के पार्षद हैं सोमू जी रिजोर्ट में रुके हुए हैं, वहां से बस में बैठकर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पहुंचेंगे जहां अपना वोट डालेंगे। वहीं जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे। अलग अलग दोनों को अलग अलग समय बुलाया गया है। शुरुआत में या तो कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो वोट डालने के लिए आएंगे, उसके बाद क्योंकि अश्वंत जी की स्थिति नहीं रहे और सीधे तौर पर यहाँ क्योंकि केवल 146 वोट पड़ने हैं और 146 वोट किसके पक्ष में पड़ेंगे ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों की धड़कने बढ़ी हुई है कि कहीं सेंधमारी का डर है जो कहीं स्थिति ना बन जाए। हालांकि मोटे तौर पर यही बताया जा रहा है कि रश्मि सैनी का मेयर बनना लगभग तय है क्योंकि बहुमत उसके साथ है, और हालांकि सेंधमारी अगर होती है तो कुछ इसके जो परिणाम हैं अलग हो सकते हैं। जी, कल जो मतदान होगा उसको लेकर आज पार्षदों को मॉकपॉल का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस बात पर? देखिए, यहाँ पर पार्षदों को मॉकपॉल करवाया गया, उन्हें जानकारी दी गई कि किस तरह से वोट डालना है क्योंकि हर वोट की कीमत होती है, हर वोट की वैल्यू मानी जाती है। एक वोट भी अगर रिजेक्ट होता है या क्रॉस वोटिंग होती है तो परिणाम बदल सकता है। तो ऐसे में कल जब वोटिंग हुई जो 82 पार्षदों से पोलिंग करवाई गई थी जिसमें 2 पार्षदों के जो वोट थे वो गलत यानी रिजेक्ट हो गए हैं। हालांकि ये केवल मॉक पोलिंग थी प्रशिक्षण के तौर पर, लेकिन अब क्योंकि ये ऐसा मैसेज है जिससे समझा जा सकता है कि पार्टी किस तरह से संजीदा इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है कि किसी प्रकार की कोई खामी ना रह जाए, इसीलिए पूरे मॉक ड्रिल की तरह पूरा मॉक पोल करवाया गया। जी, 2 वजह बताई गई है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। एक वजह तो ये है कि कई पार्षद है जो बाड़ाबंदी से बाहर हैं, और दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी चयन से वो नाराज हैं। तो कितनी संभावना है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? देखिए, ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्रॉस वोटिंग को लेकर, लेकिन यही वजह है कि बीजेपी ने अपने पार्षदों की बाड़ेबंदी पिछले 7 दिन से कर रखी है। डर तो है, लेकिन वहां जो आंकड़ा 74 पार्षदों का है उससे ज्यादा बीजेपी के पार्षदों का आंकड़ा पोर्टल में है। तो यहाँ पर अगर 2-5 वोट अगर इधर उधर भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि जहाँ 92 से 93 पार्षदों का बहुमत बीजेपी के साथ है, लेकिन जीतने के लिए केवल 74 यानी 74 वोटों की जरूरत पड़ेगी रश्मि सैनी को। तो ऐसे में ये बात बताती है कि चाहे बहुमत क्यों ना हो, सारी तैयारियां पूरी क्यों ना हो, लेकिन
और तो पार्टियों को सताता ही है कि कुछ इधर से उधर भी होता है, तो ये राजधानी जयपुर की सीट है, ये अगर इसमें छेदमारी होती है तो पार्टी की जो एक परफॉर्मेंस है उस पर भी उसका फर्क पड़ता है। तो तमाम दोनों ही दलों की पूरी तैयारियां हैं जी। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद योगेंद्र।